हेलो सर, वेलकम टू टोपी टीम ऑफ प्रोफेशनल इडियट्स। मैं हूं ओवरवर्क एंड अंडरपेड हेड हंटर। आई एम द एचआर मैनेजर ऑफ माय कंपनी। हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज एक के बाद एक रिजाइन करके फरार हो रहे हैं। ना जाने ऐसी कौन सी कंपनी मार्केट में आ गई है, उन एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना है। सर, आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय का शिकार कर रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुनासिब दाम वाले कोई ऑप्शंस तो दिखाएं। मास्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मास्टर वाले को बैचलर से ज्यादा तनख्वाह दे देंगे। हाँ, तो फिर कोई ऐसा दिखाएं जो गधों की तरह मेहनत कर सकता हो, कुत्ते की तरह वफादार हो और देसी माँ की तरह कभी बीमार ना पड़ता। समझ गया मैं। सर, आपको चाहिए यस मैन। स्ट्रेंथ, हाँ मैं हाँ मिलाने वाला। वीकनेस, इनकी बैकबोन। और जिन्हें अपनी औकात का पता, ह्यूमन राइट्स का नहीं। सर, आपको सीट वार्मर चलेगा, गद्दी गर्म करने वाला। वो क्या होता है? वो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होता है। मतलब उसका सारा काम इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ही दिखेगा आपको। ऐसा कद्दू कुछ भी नहीं करता वो। तो सर, ये सुलेमानी चलेगा? ये कभी भी अपनी सीट पे नहीं होता। ये सारा टाइम या तो कैफेटेरिया में या स्मोकिंग एरिया में इसमें महफिल जमाई हुई होती है। बॉस, मुझे एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। कैसे बताऊं आपको? ऐसा जमशेद जिसे जेम्स की पैकेजिंग में पैक करके प्रेजेंट किया जा सके। समझ गया मैं। ये वाला ट्राई करें ना, ये सरकारी मुलाजिम है। बल्कि नहीं सर, दफा करें, ये वैसे ही 3-4 जगहों पे लगा हुआ है। अपने अब्बू की सीवी भेजता हूँ। जिंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ा इसने, लेकिन बाप की सीवी पे नौकरी मांग रहा है। कितना क्यूट है ना ये गधा, देखिए। वो वाले कैंडिडेट्स कौन है? नहीं 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 नहीं, वहां मत देखिए सर। ये हर 10 मिनट के बाद आपको बताएंगे कि ये लम्स हैं। आप काम करेंगे तब जब चुप होंगे, ये चुप नहीं होते। मुझे बस एक फरमाबरदार एम्प्लॉय चाहिए। जैसे ड्रामों में औरतों पे जुल्म सितम होता है ना, वो चूं तक नहीं करते हैं, वैसा। आप अपना एम्प्लॉय रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? आपके ऑफिस में कोई वर्कहॉलिक नहीं है जिसको आप प्रमोट कर सके? अरे भाई, तो फिर उनको पैसे और पल्स भी तो देने पड़ेंगे। अरे सर, इसकी भी तो 2 स्ट्रैटेजीज हैं मेरे पास, ये देखिए। सर, आप किसी शादीशुदा मर्द को प्रमोट करें जिसके हों छोटे छोटे बच्चे, स्कूल की फीस और किताबों के खर्चे, और सर स्कूल के वो चोचले भी होंगे, वो कॉस्ट्यूम वाले। सर मैं बता रहा हूँ, आप इसको एक दफा प्रमोट कर दें सर, ये पागल हो जाएगा। ये नहीं बचेगा, ये सीधा जाएगा इंस्टाग्राम, वहाँ पे स्टोरी लगाएगा हैशटैग ब्लेस्ड की और सेल्फी डालकर समझेगा कि ओहो मैं तो जन्नत में खड़ा हूँ। दूसरी स्ट्रैटेजी सुने सर। सर आप किसी औरत को प्रमोट करें, औरत की साइकी को समझने की कोशिश करें सर, उसकी सैलरी को जरा सा इंक्रीज करें, उसको लगेगा कि वो 4-5 एम्प्लॉय का काम अकेले कर रही है। ओहो, ग्लास सीलिंग शटर करती चली आ रही है वो तो। अरे अपने आप को बाजीगर का मदन चोपड़ा समझेगी और आपकी कंपनी भी बहुत जबरदस्त अलग किस्म की प्रोग्रेसिव लगेगी। नहीं 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 नहीं, फिर कुछ अरसे में शादी हो जाएगी, उसके बाद जॉब पे आने की परमिशन नहीं मिलेगी उनको। उनका वर्क एट होम हमारा वर्क फ्रॉम होम के लेसन लगा देता है। और ये बीवी बच्चे वाले हर साल इंक्रीमेंट मांगेंगे। अरे सर, तुमको इंक्रीमेंट मत दीजिए ना, आप इनको दें लॉलीपॉप। ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस साल प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, लॉकडाउन में हमने बहुत ज्यादा सफर किया है, हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हारा इंक्रीमेंट जरूर करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन हाँ, ये तुम किसी से जिक्र ना करना प्लीज। लगता है सर कच्चे हैं आप। आप हमारे पेप टॉक को साइन अप क्यों नहीं करते हैं? और कैसे लारे लप्पे दे सकते हैं? मजा आ रहा है, मजा। लगता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको, फैमिली मेंबरशिप कार्ड। आप अपने एम्प्लॉयज को यकीन दिलाएं कि वी आर फैमिली, हम सब एक हैं। फिर तो जायदाद में हिस्सा मांगेंगे। ऐसे कैसे मांगने लग जाएंगे सर? ये सब डाउनसाइजिंग पैक के लिए है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ स्कैम। ओ, मेरा मतलब स्कीम। सर देखिए, ये हमारे यहाँ भी होता है, वो देखें। हे बदतमीज, ये किस, ओ भाई अभी मरा थोड़ी हूं मैं। मुझे इतना एक्सप्लॉइट करना अच्छा नहीं लग रहा। सर वो एक्सप्लॉइड ही होना चाहते हैं, अगर इनको एक्सप्लॉइट नहीं होना होता तो ये अपना स्टार्टअप, बिजनेस या फ्रीलांस काम नहीं करते। आपके पास क्यों आते जॉब करने के लिए? वैसे बात तो आप ठीक ही कर रहे हैं, इतना तेज तो कोरोना नहीं फैला जितना तेज आजकल के एम्प्लॉय फैल रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए इन लोगों को, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए, और तो और चाय वो भी अनलिमिटेड। ऑफिस है या ढाबा? गरीबी पे गरीबी मंगवाई जाते। अरे सर, तो आप इनको गरीबी क्यों दे रहे हैं? आप उनको दीजिए गोली। बोलती बंद का
काबू में आ जाते हैं। ओहो, आपको काबू करना है भाई, ये मैजिकल वर्ड्स आप पहले बोलते ना। आपको नए एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, आपको नए एम्प्लॉय कार्ड की जरूरत है। मैं बताता हूं, ये देखें, मेड इन नॉर्थ कोरिया, दो रंगों में दस्तियाब, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर। आपका एम्प्लॉय आपको चीट ही नहीं कर सकता सर। अगर वो सुबह ऑफिस 9 बजे के बाद आया तो ये मारेगा शॉक, और अगर वो शाम 5 बजे से पहले ऑफिस से निकला तो ये मारेगा शॉक। अब बोल के दिखाएं, जब सैलरी टाइम पे नहीं आती तो मैं टाइम से कैसे। सर अगर उसने 20 मिनट से ज्यादा लंच ब्रेक ली या 3 मिनट से ज्यादा स्मोक ब्रेक तो उसको मिलेगा शॉक। क्या इसे अपने फोन से मॉनिटर कर सकता हूँ? मॉनिटर? अरे सर टर्मिनेटर, फुल इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, हर 10 मिनट के बाद स्क्रीनशॉट। आप गुसलखाने में या पजामे में, ये अंदर तक ट्रैक करेगा सर। एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें स्पेशल GPS ट्रैकर भी लगा है। अगर उसने आपसे झूठ बोलने की कोशिश की कि उसकी तबीयत खराब है या उसकी गाड़ी का टायर पंचर है, आप फौरन ट्रैक करा ले तो फिर ये मारेगा शॉक। मजा आ रहा है। अब सॉरी सर, वो एक्चुअली जब शुगर मिला ज्यादा हो जाता है ना तो वहां मेरा बॉस भी। मुझे आज के बाद कॉल मत करना, मुझे कोई और मिल गया। इट्स नॉट यू, इट्स मी। मेरी CV एक आखिरी बार देख के डिलीट कर देना। किसके लिए मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ, रिमोट बेस। ये जहरीला वर्क एनवायरनमेंट हमारे पुरखों की दी हुई अमानत है, इसकी इज्जत करना, इसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। और अगर इस फर्ज के बीचों बीच कोई मॉडर्न कंपनी या कोई इज्जतदार कंपनी आई तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या तुमने एक बार भी यह सोचा है ये कंपनी तुम्हारे वजूद को समझ पाई थी? क्या तुमने कभी सोचा है ये कंपनी तुम्हारी लो सेल्फ स्टीम को समझ पाई थी? क्या तुमने कभी सोचा है ये कंपनी हमारी परंपरा का पालन कर पाई थी? बोलो, जवाब दो। 50 रुपए गार्ड ओवर एक्टिंग किया यार, क्या करते है? देखा देखा कैसा आपके मुंह के ऊपर ये सब बोल के गया, यही तो प्रॉब्लम है। सारे रिमोट बेस ही तो जा रहे हैं। अमेरिका वाली पप्पो का बेटा जिससे हर कोई शादी करने पे तुला हुआ है, अच्छी तनख्वाह, पाकिस्तानी औकात से ज्यादा बेनिफिट, घर बैठे बैठे सिलिकॉन वैली की कंपनीज के लिए काम करना, और तो और इंसानों जैसा सलूक। ऑनलाइन अप्लाई करो, सिर्फ 2 हफ्तों में नौकरी टन। अरे सर क्या बात करते हैं आप, 75 साल से हम गुलामी के आदी हैं, एक कंपनी के आने से कुछ नहीं होता। अरे एक्सक्यूज मी, मेरे वाले साहब की कॉल, आई मीन मेरे बॉस। अच्छा अच्छा, जी पापा। जी सर। लेकिन मैं तो आपके बेटों की तरह था, मैंने तो आपका नाम भी पापा करके सेव किया था। फैमिली मेंबरशिप एक्सपायर्ड। सर आप यतीम हो गए ना? मजा आ रहा है, मजा। Hey guys, hope you liked the video. Break the 9-to-5 cycle and apply to Remote Base for a better remote developer job. Like, share and subscribe and stay tuned to Thili.